नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर निखिल वर्मा है और मैं गीतांजलि डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का प्रिंसिपल हूँ। आज 31 मई है और इस दिन को हम नो टबैको डे के फॉर्म में मनाते हैं। तंबाकू भले वो किसी भी फॉर्म में हो, भले वो आप स्मोक करते हों या फिर आप उसको खाते हों, वो बहुत ही हानिकारक है अपनी सेहत के लिए। 77,000 न्यू केसेस जो है और 52,000 डेथ हर साल रिपोर्ट होती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा नंबर है हिंदुस्तान के हिसाब से। और इसके अंदर 11% कैंसर जो हैं वो पुरुषों में होते हैं और 4% कैंसर जो है फीमेल के अंदर, इसके अगर कैंसर की मात्रा में देखा है तो 4% कैंसर फीमेल में टबैको रिलेटेड होते हैं। तो ये अपने आप में बहुत ही बड़ा नंबर है। और टबैको जो है आपको अंदर से किल करती है। टबैको के साथ में अगर आपको डायबिटीज़ है और अगर आपको दूसरी और बीमारी है तो ये आपके लिए और भी कष्टदायक हो जाता है। टबैको को ना यूज़ करना ही बढ़िया है, और अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसको छोड़ने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। उसके लिए आप हमारे पास आ सकते हैं। हमारे पास डेंटल कॉलेज में टबैको सजेशन सेंटर्स होते हैं और सेंटर्स के अंदर हम आपका, अगर आप स्मोक करते हैं तो आपका लंग का हम वॉल्यूम चेक करते हैं, और अगर आप उसको खाते हैं और मुंह खोलने की प्रॉब्लम चल रही है आपकी तो हम उसको भी उपचार फ्री में देते हैं। और उसको मेजर करने का एक क्राइटेरिया हमारे पास रहता है टबैको सजेशन सेंटर में, और ये हर डेंटल कॉलेज के अंदर अवेलेबल है। और इसके अंदर हम आपका प्री और पोस्ट तक फॉलोअप देते हैं, और जब भी आप आएंगे तो हम आपको इसके अंदर जो निकोटेक करके च्युइंगम आती है वो भी हमारे पास अवेलेबल होती हैं ना, वो सरकार हमारे को अवेलेबल कराती है तो वो हम आपको देते हैं। तो बेटर यही है कि हम इस आदत को ना लगाएं अपने सिर, और अगर हमने लगा ली है तो फिर हम इसको बिल्कुल अवॉइड करें है ना, इसको छोड़ने की कोशिश करें। और एक चीज़ ध्यान रखें कि हेल्दी माउथ इज़ अ गेटवे टू अ हेल्दी बॉडी। धन्यवाद।